हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राजी जुड़ चुके हैं, जो कि वर्ल्ड बॉसिया चैलेंजर 2024 यानी कायरो इजिप्ट में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसा महसूस होता है भारत को रिप्रेजेंट करके इस स्पोर्ट के अंदर? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद जो आप यहाँ आए और बॉसिया को आगे बढ़ाने में हमें मदद कर रहे हैं, हम लोगों को आगे सहयोग कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि और भी लोग जान सके। सो देखो सर, बहुत बड़ी बात है ये कि आप अपना नाम के साथ साथ अपने देश का नाम साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत गौरवान्वित की बात है कि आपको एक मौका मिल रहा है। और ख़ासकर हम जैसे डिजेबिलिटी के साथ, जहां लोग डिजेबल्ड नाम सुन के कोई मतलब खड़ा होना पसंद नहीं करता, लोग भाग जाते हैं, वहाँ पे अभी हम अपनी डिजेबिलिटी को छोड़ के एबिलिटी को ढूंढ के और एबिलिटी के साथ अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने देश का नाम बड़ा कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक हमें खुद ही बहुत प्राउड फील होता है। कैसा महसूस होता है जब स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन जैसी फेडरेशंस आपको सम्मानित करती हैं, तो ये कितनी बड़ी प्रेरणा का विषय है आपके लिए? यस बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसे बॉसिया फेडरेशन अभी इतने साल नहीं हुए हैं, 2016 में आई है और उसके बाद 2016 से लेके अभी आप देखो तो 8 साल की जर्नी हुई है, जिसमें जैसे हाई डिजेबिलिटी के जो लोग होते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि हाँ लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। उस ऐसे स्पोर्ट को अगर इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट करेगी, बढ़ावा देगी, तो स्वाभाविक है कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स जुड़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है और साथ दे रही है हमें। मैंने सुना कि आप झारखंड से आते हैं और ट्रक एक्सीडेंट के बाद आप बॉसिया स्पोर्ट में आए, वो कौन सी किक थी, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड करा कि मैं एक तरह से मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ, अब मैं एक स्पोर्ट्स की तरफ जाऊँगा और भारत का नाम रोशन करूँगा, ये कब सोचा है? सर मैं अपनी जर्नी बताऊँ आपको तो एक्चुअली मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ बॉसिया फेडरेशन से। बॉसिया 2016 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में और मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। तो 2017 में जो बॉसिया फेडरेशन के हेड प्रेसिडेंट हैं जसप्रीत सिंह ढालीवाल सर, तो जसप्रीत सर आए थे, तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैबिलिटेशन होता है वहाँ पे, तो मैं रिहैब ड्यूरेशन में वो मेरे से मिले थे और उन्होंने बताया कि अजय आप भी ऐसा गेम कर सकते हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो मेरे से कनेक्ट हुए थे और उन्होंने बोला, तो तब तक मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं भी क्या कुछ कर सकता हूँ ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, और उनका भरोसा काम आया और देखो आज मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हम जानते हैं कि आने वाले समय में आप बॉसिया को एक नई ऊँचाइयों पर लेके जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल।